कोई कहता है विरोधी पार्टी में जे वो तो लड़की नचाते हैं, अरे साला तुम कैसे देख लिया जे लड़की नचाते हैं? अरे जिस तरह से पूरे देश के अंदर हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज पहले से जगा हुआ है तभी इतना भीड़ लगा हुआ है। सुनिए ना, आप बताइए जी, आप रूम में सोए रहिएगा, रूम में सोए रहिए, और रात में चार गो हनुमान भेज देंगे, अब मारेगा दांतवा तोड़ देगा आपका। तो बाबा हनुमान कैसे भेज देंगे? अरे भाई ज्यादा चक्कर बकर करिएगा, एक बारी गदवा ना चाहेंगे हनुमान जी जो सीधे घुस जाएगा कहाँ। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में बाबा हैं, एक से बढ़कर एक बाबा है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं और बहुत डीपली सपोर्ट करते हैं। वैसे बाबा को आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? वैसे बाबा को आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? अभी मैं बिहार के नौबतपुर में हूं और ये वही नौबतपुर है जहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं, उनके भक्त हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा का इन्होंने हनुमान कथा सुना कैसा लगा, इनका क्या विचार है बाबा के ऊपर, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार जी, 13 तारीख को यहाँ पर जो है बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आए, कथा सुने? सुने आए? बहुत अच्छा लगा। सुने तो आप कहाँ से आए हैं? हम तो, हमारा तो घर यहीं है। आपका लोकल घर है? हाँ, नवतपुर। तो बाबा के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, बाबा आपको कैसे लगते हैं? बाबा बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। बाबा का वचन प्रवचन सब अच्छा लगता है। अच्छा। बाबा नवतपुर के धरती पे आए, नवतपुर धरती एकदम पवित्र हो गया, बहुत सुंदर लगा। बाबा का बहुत स्वागत हुआ, मान सम्मान हुआ। आप लोग बहुत लोग तो स्वागत किए लेकिन बहुत लोग बाबा के विरोध में भी है। हाँ, तो उसको विरोधियों का काम क्या है विरोध करना? तो पहले भी हाँ। विरोधियों का काम है विरोध करना। विरोधी था रामा अवतार में भी विरोधी था, तो राम जब पैदा लिए तो उस समय भी मानने वाला कोई नहीं था। तो बाबा आया तो बाबा के भी विरोधी हो गए, बाबा के भी विरोधी हो गए। लेकिन विरोधी का कोई था है पता नहीं, हवा में उड़ गया विरोधी। अच्छा। बम खानी फट गया, लठपट्टी तैयार किया था तो ये किया था वो किया था, अरे कहाँ गया पार्टी साटी? यहाँ पे आता तब ना। तो कोई विरोधी पार्टी नहीं आया? कहाँ आया है, कोई दिखा दीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से हमको एक भी विरोधी अपना पार्टी दिखा दीजिए। आप कहाँ से आए हैं चाचा? हम आए हैं छपरा जिला। छपरा जिला से? मसरख प्रखंड है मेरा। अच्छा, मसरख प्रखंड से यहाँ पर आए हुए हैं। ये बताइए कि बाबा यहाँ पर एक दिन शायद 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रवचन किया है, है ना? कल 13 मई को, और आज भी शायद किया है। आज भी मई कर रहे हैं, अभी समाप्त खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो 2 दिन में आप लोग क्या सुने क्या सीखे? बहुत कुछ। सुंदर कांड, हनुमान जी को कोई सुंदर मानता है? बानर को कोई सुंदर मानता है? भाई इतना आदमी है, बानर का सुंदर कांड सुना है जो कि मतलब माइंड वॉश सफाई प्लस में इतना अनुभव उनके पास है कि दिव्य है वो, दिव्य है वो। कोई कहता है विरोधी पार्टी में जे वो तो लड़की नचाते, अरे साला तुम कैसे देख लिया जे लड़की नचाते हैं? अरे यहाँ पर आके देख लेना, कोई पटना यहाँ से दूर नहीं है, 30 किलोमीटर दूर है मात्र, नौबतपुर से 30 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आके कल देख लेना, नाच 11 बजे स्टार्ट होगा। क्या है ना चाचा कि पुराना एक्सपीरियंस से बोल रहा होगा लोग, क्योंकि बहुत सारे पहले बाबा हुए हैं, आप जानते होंगे, आप लोग को पता होगा क्योंकि किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो बहुत सारे बाबा का जो कर्म कांड है लोगों को पता है। बाबा नहीं है जो ये 300 नारी रखेंगे, कृष्ण जी का पैदाइश हो गया है यही आसाराम ठाकुर। अरे वो आया है पाकिस्तान से। अच्छा, आप उसके बारे में हिस्ट्री पता कीजिए। जहाँ ये बताइए, सभी लोग तो यही कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हम जो है सबसे बेहतर हैं, स्वच्छ हैं। हाँ, सब तो यही कहते सब यही कहते लेकिन जब बाद में जब परत दर परत खुलता है, सब कुछ होता है, तब पता चलता है कि नहीं नहीं ये भी उसी में से है। यदि ये गलत होते तो इनका सत्ता, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम ये भी आपको नहीं कर रहे, जो पुराना जो अनुभव है, जो पुराने जो मामले हुए हैं भारत में, उसके भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो वो इतिहास इनके प्रति भूल जाइए, क्योंकि हनुमान जी का ये दूसरा रूप है। ज्यादा चक्कर बकर करिएगा, एक बारी गदवा ना चाहेंगे हनुमान जी जो सीधे घुस जाएगा कहाँ, खुदे मालूम हो जाएगा। अच्छा, बाबा को आप क्या मानते हैं? भगवान। भगवान मानते हैं? बिल्कुल, हनुमान जी का दूसरा रूप मानते हैं। अच्छा, हनुमान जी का दूसरा रूप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि जैसा ये कहा जाता है कि जो उनका गदा है वो दिव्य गदा है। आप अच्छा, आप बताइए जी, आप रूम में सोए रहिएगा, रूम में सोए रहिए, और रात में चार गो हनुमान भेज देंगे, अब मारेगा दांतवा तोड़ देगा आपका। तो बाबा हनुमान कैसे भेज देंगे? अरे भाई 40 लाख उनका सेना है, बांदर सेना, आप इस बात को मानिए बागेश्वर बाबा के? बिल्कुल, जय जय श्री राम। 40 लाख
40 लाख बंदर से ना है उनका। ये तो पहली बार सुन रहे हैं जी। हाँ रुक जाइए, सपना में आप अर्जी लगा, सपना में, सपना में। हाँ अब देखिए, जब आप केवारी बनकर ग्रस्त हो जाएगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ। केवारी बनकर ग्रस्त हो गए, छाती पर दो गो बानर बैठ गया। हाँ। मारा इधर से चार गो दांत बाहर फेंक दिया। किसके पास रिपोर्ट लिखवाइएगा हमको बताइए, किस थाना में रिपोर्ट लिखा, किस मुख्यमंत्री के पास जाइएगा? तो जब दरवाजा बंद कर रहेंगे तो कैसे मार देगा बानर? अरे भाई वही तो दिव्य, आपको मालूम नहीं है, दुनिया को मालूम नहीं है। लेकिन जो जहाँ दुनिया को मालूम हो रहा है, दुनिया अपने आप इनको बुला रहा है। आप विदेश आइए चाचा जी, आइए चाचा जी, सुनिए ना चाचा जी, लेकिन साइंस ये सब नहीं ना मानती है। साइंस साइंस तो ऑटोमेटिक मान गया है ना। आपको बाबा में ज्यादा विश्वास है कि विज्ञान में? हैं, बाबा में ज्यादा विश्वास है कि विज्ञान? बाबा पे, बाबा पे। ये बताइए कि यहाँ पर कब आए हैं आप? यहाँ पे तो आज ही आए थे, शाम में 5 बजे जी। तो यहाँ पर आए तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था की बात करें सच बताइएगा जी, व्यवस्था तो मतलब वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। नहीं हम सुनिए ना, पंडाल के अंदर थे ना, सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। लेने के लिए मतलब सोचिए ना, एक माता जी थी जो कि बेहोश पड़ गई, मतलब उसके ऊपर पानी छिड़के फिर उसको बाहर निकालने के बाद वो सही हो रही थी। मतलब ऑक्सीजन की पूरा दिक्कत, जिस कारण से बाबा चले गए एक ही घंटे। हाँ कहाँ समय दिए हैं, अभी तो प्रवचन होना चाहिए ना, लेकिन कहाँ हुए? उनका टाइम होता है, टाइम होता है, बट 3 घंटे का टाइम था, कहाँ 3 घंटा, कहाँ रुके आप? खराब है, आप कहा नहीं एक्सेप्ट करते हैं व्यवस्था? यहाँ व्यवस्था सरकार को यहाँ व्यवस्था देनी चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पूरा नहीं, मतलब ना सफल नहीं हुआ पहला बात। हम सरकार देखिए, यहाँ बाबा का व्यवस्था सही है, नीतीश सरकार की व्यवस्था करता है। हम भी बोल रहे हैं। इतना भी यहाँ जनता जुटे हुए हैं, वो प्रदूषण की सामना कर रहे हैं। अगर हम यहाँ का सरकार लठधर बना सकता है, मगर यहाँ का व्यवस्था नहीं बना सकता है। यहाँ जो भी है हिंदू समाज से बिलोंग करता है और वो अपना स्वयं व्यवस्था करने के लिए तैयार है। इसके लिए वो जो हिंदू समाज के लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ बिहार का ये मेरा बिहार, मतलब पानी नहीं मिल रहा। चाचा को दिखाइए, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। खाली खाना मिले नहीं मिले, लेकिन पानी तो मिले, पानी मिले। जो है ना, यहाँ सत्ता के दलाल जो है वो सिर्फ ये ट्रेलर देख रहे हैं। आने वाले समय में उनको पिक्चर दिखाया जाएगा कि पिक्चर क्या होता है। अगला प्रोग्राम जब बाबा का होगा, बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम बिहार में होगा, फिर बिहार में होगा। हम लोग बाबा आएंगे, बोलेंगे आप लोग कोई व्यवस्था ही नहीं देते हैं तो कैसे आएंगे? अब सुनिए क्या होगा। सुनिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। हम लोग अब इनका प्रोग्राम गांधी मैदान में करवाएंगे, गांधी मैदान में। अगर वहाँ परमिशन डीएम नहीं देती है तो हम लोग यहाँ अनशन करेंगे, शांति से वहाँ प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, मगर प्रदर्शन करके डीएम से आदेश लेकर अगला प्रोग्राम हम लोग गांधी मैदान में मनाएंगे। जी जी, तो देख लीजिए यहाँ पे बाबा के बहुत सारे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, ये लोग आए हुए हैं, यहाँ के विधि व्यवस्था से नाखुश है। बाबा को हम लोग देखिए दिल में लेकर चलते हैं। अच्छा देखिए, ये देखिए बाबा के सबसे बड़े भक्त दिखा रहे हैं, बाबा के सबसे बड़े भक्त दिल में लेकर चलते हैं। देख लीजिए बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के बाद, थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ से आए थे, बताए थे जगह का नाम? हम लोग बिहार से लास्ट बॉर्डर पड़ता है, कैमूर से आए हैं। अच्छा कैमूर से आए हैं, बड़ा दूर से आए हैं जी। देखिए उनका भक्त हम लोग कहीं भी चलकर चले जाएंगे, बाबा अगर पहाड़ों में जाएंगे तो उनके पीछे हम लोग सारे भक्त पहाड़ों में जाएंगे। अच्छा दूरी से मतलब नहीं है हम लोग का। बात बताइए, इतना ज्यादा मतलब अंधविश्वास, मतलब देखिए अंधविश्वास नहीं है बाबा मान के चले जहाँ वैसे कैसे, मतलब एक तरीका से न कीजिएगा। तरीका की बात नहीं, बात सुन लीजिए, बाबा जितना भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ढकोसला है न कोई रूढ़िवादी है। पहले भी पूर्वज में भी पहले राम जी आए। अच्छी सुनिए, अगर अंधविश्वास होता तो हनुमान जी उड़कर लंका में गए थे, तो कहा हनुमान जी अंधविश्वासी थे? उनका नहीं कह सकते, वो नहीं कह रहे, तो उन्हीं का भक्त ना उनको पूज रहे हैं जी, हनुमान जी को ना। बाबा कहा तक कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम दास हैं, हनुमान का भक्त है। तो यहाँ जितने लोग जुटे हैं तो हनुमान का भक्त जुटे हैं, तो कहा रूढ़िवादी की बात कर रहे हैं? तो हनुमान जी लंका में उड़कर सजनी बूटे लेकर गए थे, तो कहा अंधविश्वासी थे? समुद्र को लांग गए थे, तो कहा अंधविश्वासी थे?
जब वो नहीं थे तो फिर बाबा कैसे अंधविश्वासी हो सकते हैं। क्या है ना कि बाबा का भारत में जो है रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। आप देख लीजिए बहुत सारे निर्मल बाबा, आसाराम बाबा, पता नहीं कितने कितने बाबा, सारे बाबाओं से मतलब नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन बराबर कोई बाबा हूँ जो अपने आप को कहेगा कि मैं ही परमात्मा हूँ, उस बाबा को हम लोग नहीं मानते। जो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक दास हूँ फलाना, जैसे कि ये बाबा बताते हैं कि सब कुछ है तो हनुमान जी हैं, मैं उनका एक दास हूँ, तो दास हूँ अपने आप को बताते हैं, इसलिए सर्वप्रथम आप सीधे डायरेक्ट हनुमान जी को, हनुमान जी को ही क्यों नहीं मानते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा जो ना ज्यादातर ढोंगी होते हैं, ये ढोंग करते हैं, भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, इस पे क्या इस बोलना चाहिए? बाबा ढोंगी नहीं है पहली बात, दूसरी बात की वो कोई ढकोसला भी नहीं फैला रहे हैं, किसी को बरियारी से नहीं बुला रहे हैं, हम लोग अपने से। अच्छा एक बात बताइए, मान आ रहे हैं उनके पास। अच्छा सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, आप लोग खुद जा रहे हैं, सब लोग खुद आते हैं, कोई किसी को नहीं बुलाता है। एक बात बताइए, जैसे वो पर्ची निकालते हैं, ठीक है ना, पर्ची फिर निकालते हैं और बता देते हैं, मान लीजिए कि जब आप उनके श्रद्धालु हैं, उनके भक्त हैं, तो उनको सीधे सीधे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। पर्ची निकालने के ऐसे तो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपने, वो बात नहीं है। पहले बात सुनिए, कितना लोग उन पर कहे कि आप पहले से मालूम कर लिए हैं, तो बाबा क्या किए कि चार पर्ची पहले से बना दिए, और वो चारों बोल रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को उठा कर लाइए, पर्ची उन्हीं का निकलेगा। अच्छा, तो बहुत लोग कहता है ना मीडिया में कि स्क्रिप्टेड रहता है सब पैसे। अब आप बताइए, इसी क्वेश्चन को उन्होंने समाप्त करने के लिए बोले कि हम पर्ची पहले बना दे रहे हैं, आप जिसको उठा कर लाइए पर्ची, किसी को उठा कर लेकर, किसी को उठा कर लेकर आइए, पर्ची उसी का निकलेगा। अच्छा उसी का निकलेगा। हाँ कहिए चाचा, कह लीजिए बाबा। हाँ बाबा, जिस तरह से पूरे देश के अंदर हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज पहले से जगा हुआ है तभी इतना भीड़ लगा हुआ है। सुनिए ना, हिंदू समाज सोया हुआ था। नहीं, हिंदू समाज सोता तो यहाँ पर नहीं आता। हमारा सुनिए ना, हिंदू समाज सोया हुआ था, जातिवाद में बटा हुआ था, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से देश भर के तमाम शहरों में हिंदू समाज को, हिंदुओं को जागृत किया जा रहा है, और बहुत ही जल्द भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। हिंदी, हिंदी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू। अच्छा एक बार भाई, हिंदी शॉर्ट में, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उर्दू जावे जा पाकिस्तान, जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं कुछ नहीं, जैसे ये चाचा का है कि हिंदू समाज एक हो रहा है, हिंदू समाज तो पहले से, बिहार में क्या इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा? यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, कुछ अत समाज लोग के तरफ से भरमाया जाता है, हम हिंदू हैं, हम जादव हैं, हम भूमिहार हैं, अरे हम एक हैं, अगर हिंदू हैं तो एक हैं। तो यहाँ तो सब लोग आया है सभी, इसीलिए तो हमारा हिंदू आज अंदर से जाग गया है। आज कहते हैं, आज कहते हैं ये तो पहले से जागा हुआ, ऐसा थोड़ी है कि बाबा जगा है। नहीं, कुछ आदमी के भरमाने के चक्कर में, जिसने होता है कि अभी कहते हैं तेजस्वी जी कि हम बाबा को नहीं उतरने देंगे, तेजस्वी वो उनके भाई, उनके भाई जी वो है ना, कृष्ण कभी बनते हैं तो वो तो खुद ही बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, मगर कहते हैं कि हम नहीं उतरने देंगे बाबा। भाई क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हो, आपको इनसे क्या होने जाने वाला है? यहाँ आके बाबा किसी के नहीं, हिंदू अलग कर रहे हैं ना, मुस्लिम अलग कर रहे हैं, वो तो प्रचारक हैं, वो तो धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें तकलीफ क्यों है? आप बताइए भाई, आपको तकलीफ क्यों है? आप यहाँ आने के बजाय, आप यहाँ का व्यवस्था देखने के बजाय आप अपना व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा, सत्ता पार्टी से कोई व्यवस्था देखने आया है कि नहीं? यहाँ पे तो खुद आप देख सकते हैं, व्यवस्था तो सच में नहीं है। तो आप लोग से बात करके अच्छा लगा। देख लीजिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत सारे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बिहार, झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, काफी जगहों से आए हुए हैं, और आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। से भी यहाँ पे आदमी आया, अदर कंट्री से भी, अदर कंट्री से भी आदमी आया। हाँ, तो प्रशासन से और यहाँ की जो सरकार से यहाँ के लोग ना खुश हैं, जरा सा भी। सबसे बड़ी बात है कि उनसे भी हम कहना चाहते हैं, जो इस चीज को हम लोग को अलग करना चाह रहे हैं, इस चीज से हम लोग को भरमाना चाह रहे हैं, भाई अपना भी आके सिस्टम चेक करा लो भाई। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट सवाल पूछूंगा, कोई नहीं बोलेगा आप। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में बाबा हैं, एक से बढ़कर एक बाबा है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं और बहुत डीपली सपोर्ट करते हैं, वैसे बाबा को आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, वैसे बाबा को आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? जैसे ये जो बाबा है ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये स्वयं लंगा कर देते हैं,
जो आदमी हो, जिस चलन का आदमी हो, जैसा कल्चर हो उसका। अब इनको मनोज तिवारी ड्राइविंग करके ले जा रहे हैं, ये कहां तक ठीक है, पॉलिटिकल ना हो गया था? नहीं पॉलिटिकल नहीं हुआ, वो जो है ना मनोज तिवारी जी शिष्य, आप भी जा सकते हो, हम भी जा सकते हैं, कोई जा सकता है। वो किसी गुरु है, मतलब अपने गुरु, मतलब अभी वो ना कभी वो मंत्री ना संसद है ना MLC है ना कोई कोई व्यवस्था नहीं उनके पास, वो अभी शिष्य बन के क्यों अपना भी तो अधिकार होता है जीने का। तो कैसा लगा रिपोर्ट कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। बोल लीजिए चाचा, चाचा बोलिए। बुड़बक होगा जो आपका लाइक कमेंट शेयर नहीं करेगा, मतलब बुड़बक होगा, मतलब करना ही करना है, बुड़बक होगा, पागल होगा।